वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। देखिए, ट्रांसफार्मर, डायोड, कैपेसिटर कैसे काम कर रहे हैं, उसकी बेसिक क्लास, ये लैपटॉप और मोबाइल की चल रही, डीजे एम्पलीफायर, तो वो सारी चीज़ मैं थोड़ा समझाने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो पे, किस तरह से काम होगा। तो देखिए, हमारे पास, पकड़, हिलाना नहीं जाना, इसी पर रखना लाल पे। हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसमें हमने 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो ये 220 वोल्ट के बाद की जो कहानी है वो देखें आप किस तरह से। यहाँ पर देखिए, ये सेंटर टेप करके इसमें दो आउटपुट लिए हुए हैं। तो पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि 57 के आसपास बोल्ट जो होता है वो हमें लगता नहीं है, उसके बाद से बोल्ट लगना चालू होता है। देखिए, मैं इसको टच भी कर रहा हूं, आप इसको कभी ना करें। अभी देखिए, यहां पे ये देख पा रहे होंगे आप, ये आप देख पा रहे होंगे, अब यहां पर और तेज उठेगी ये। तो इसको आपको कभी करने की कोशिश नहीं करना है, इसको मैं लगा रहा हूं। और ये ट्रांसफार्मर जब भी लगाएंगे इसमें वाइब्रेशन जरूर आएगा। अगर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आ रहा है तो एक लोहे की स्टिक लेके इसको बंद करके थोड़ा सा आप इसको अगर हिट करेंगे तो वो वाइब्रेशन भी आना बंद हो जाएगा। तो ये ट्रांसफार्मर में सेंटर टेपिंग करके दो आउटपुट लिए हुए हैं और इसको कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एसी बोल्ट ही मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रांसफार्मर एसी पे ही काम करता है। तो आप देखेंगे तो ये यहां पर 200 का इनपुट हो रहा है, सॉरी 600 वोल्ट पर मैंने रखा, 220 वोल्ट यहां पर देख पा रहे होंगे आप, इनपुट हो रहा होगा। ये देखिए, ये 220 वोल्ट यहां पर आपको आता हुआ दिखेगा। इसके बाद ये ट्रांसफार्मर है जिसने इसको स्टेप डाउन किया। आपके ड्यूल पोल पे भी ट्रांसफार्मर होते हैं। और ये देखिए, यहां पर ये मैंने इसको 200 पे रखा है और ये एक मैं यहां पे लगा रहा हूं और एक यहां पे लगा रहा हूं। देखिए वोल्टेज कितने आ रहे हैं आप देखेंगे तो, ये कितना दिखा रहा है यहां पर, सॉरी ये भी हमें एसी पे ही करना है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इसको, ये देखिए 14 वोल्ट, और इसको सेंटर टेप करके ये देखिए, ये भी 14 वोल्ट। तो ये 14 वोल्ट एसी आया है, हम उसको गलती से कहाँ चेक कर रहे थे, डीसी पे। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर एक डायोड लगाया। तो डायोड में लोगों को प्लस माइनस नहीं पता, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, क्या बोलूं किसको। तो यहां पर देखिए, ये प्लस होता और ये माइनस, तो इसके प्लस पे हमने यहां पे इसको इनपुट दिया है। तो जब भी आप चेक करेंगे तो आपको क्या चेक करना है, इस साइड आपको पॉजिटिव रखना है और इस साइड आपको क्या रखना है, नेगेटिव रखना है। तो आप रखिए इसको और इसको देखिए आप इस तरह से, देखिए दिखाना 14 वोल्ट दिख गया डायोड। अब यहां पर आपको क्या रखना है, डायोड के बाद एसी पे रखना है, सॉरी डीसी पे रखना है। तो देखिए 7 वोल्ट आया, इसने हाफ साइकिल कर दी इसकी। चार डायोड लगा के रेक्टिफायर बनाएंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा एज इट इज कर देगा। ठीक, अब इसको आगे सर्किट में कैसे ले जाते हैं, तो यहां पर मैंने इसमें कहां से दिया हुआ है इसको देखिए आप, यहां से मैंने इसको माइनस पे दिया हुआ है। तो ये पॉइंट क्या है यहां पर, अब देखिए आप यहां पर, अब हम इसको चेक करने जा रहे हैं। तो यहां पर पहले चेक कर लेते हैं, यहां पर हमने पॉजिटिव रखा, यहां पर नेगेटिव रखा, वोल्टेज आ चुका है 5 से 7 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर मैंने पॉजिटिव पे दिया है तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव प्लस यहां मिलेगा, ये आपका कंडेंसर है। तो इसको आपको इस तरह से प्लस को ऐसे रखना है और माइनस को ऐसे रखना। अब आप देखिए कंडेंसर भी चार्ज होगा, ये हमने इसको रखा, अब इसको चार्ज होना चाहिए, चार्ज होने देते हैं। अब इसके बाद इस पे चेक करेंगे तो देखिए वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूं, इसमें वोल्टेज आपको दिखेगा, दिखा रहा है। अब हम इसको डिस्चार्ज करेंगे तो इस पे भी स्पार्क आएगा, ये डिस्चार्ज हुआ, आई स्पार्क। इस तरह से आपका ये ट्रांसफार्मर, एसी लिया, स्टेप डाउन किया, एसी को हमने यहां चेक कर लेना है, आउटपुट भी एसी होगा, डायोड लगा के हमने इसको डीसी कर लेना है और फिर इस तरह से काम करेगा। 57 के आसपास से वोल्टेज हमें लगना स्टार्ट होता है तो इतनी घबराने वाली बात नहीं होती, पर ये आप स्पार्क करेंगे क्योंकि हाई एम्पियर है इसमें, तो देखिए ये लग रहा है, ये आपको वोल्ट आएगा, लेकिन ये कल लगेगा नहीं देखिए, क्योंकि 57 तक हमें लगता नहीं। तो ये ट्रांसफार्मर पे कैसे वोल्ट इन सर्किट जो आपका एसएमपीएस का कैसे स्टार्ट होता है, कैसे काम होता है, उससे रिलेटेड भी पूरा वीडियो में आपको, हम कोई भी वीडियो लाइव डालते हैं तो कभी थोड़ा बहुत गलतियां हो सकती है काम करते समय, ध्यान इधर का उधर जा सकता है। ये देखिए 13013 का है और इस तरह से ट्रांसफार्मर पूरा हमने बच्चों को चेक करा। अब इसको ये चेक करेंगे, इसको निकालते समय आप प्रॉपर तरीके से निकालिए, ये पूरा डेंजरस एरिया है, यहाँ पर आपको हाथ नहीं लगाना है। तो ये था वीडियो, वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
और किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसे ना जाएं जहां पर आपका समय बर्बाद हो, और कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं डेमो और इस तरह की चीज़ों में आपको समय आपका बर्बाद कर सकते हैं। थैंक्स।